गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 6 लेसन 4। लेसन का नाम है माय चाइल्डहुड, यानी कि मेरा बचपन, और पार्ट 1। ठीक है, तो हम इसको आप मेरे व्हाट्सएप पर मतलब क्लास 6 के बारे में लेसन 4 पढ़ रहे हैं। हमारे लेसन 3 हो चुके हैं, हम लेसन 4 में आ चुके हैं। लेसन 4 में मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगी, और इस लेसन को मैं 2 पार्ट में करूंगी, और तीसरी वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर समझा दूंगी। ठीक है, तो हम इस लेसन को पढ़ते हैं। आप पेज नंबर 18 निकाल लीजिए, 18 पर आप लेसन पढ़िए। डू यू यानी कि आप, नो यानी कि जानते हैं, एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधी लाइफ। महात्मा गांधी लाइफ यानी कि महात्मा गांधी के जीवन के बारे में आप ऐसी कोई स्टोरी जानते, कहानी जानते हैं। माई फादर बॉट, मेरे पिताजी लाए एक बुक नेम्ड श्रवण पित्र भक्ति। महात्मा जी ने कहा कि मेरे पिताजी एक बुक लेकर आए थे जिसका नाम क्या था, श्रवण पित्र भक्ति नाटक, उसका मतलब वो नाटक था। आई रीड, मैंने पढ़ा, इट विद इंटरेस्ट, मतलब उसको मैंने, मतलब इंटेंस इंटरेस्ट यानी कि मज़ेदार तरीके से उसको मैंने पढ़ा, मतलब मज़े लेकर पढ़ा उसको। आई रीड, मैंने आई वाज, मैं था शॉन, बिल्कुल दिखा द पिक्चर, मैं पिक्चर देख रहा था। आप श्रवण केरिंग, जो श्रवण ले जा रहा है किसको पिक्चर में, आप श्रवण केरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स यानी इन कावड़ में, यानी कि जो श्रवण कुमार था वो अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को कावड़ में ले जा रहा था। मैं उस पिक्चर को अच्छे से देख रहा था, उसमें वो दर्शाया गया था, तो मैं वो अच्छे से देख रहा था। द बुक एंड द पिक्चर, किताब और पिक्चर लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड, यानी कि वो जो किताब में जो पिक्चर थी वो मेरे माइंड पर बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी, मतलब चलने वाली थी। हेयर, यहाँ इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, मैं उसी की एक नकल करना चाहता था। हियर, यहाँ पर एन एग्जाम्पल यानी उदाहरण, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू कॉपी नकल है ना, यानी कि उसी की एक नकल है। आई सेड, मैंने कहा, टू माई सेल्फ, अपने आप से कहा, द प्ले खेला हरिश्चंद्र, एक खेल है हरिश्चंद्र नाटक, मतलब आल्सो कैप्चर्ड, उसने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया था, माय हार्ट, मेरे दिल पर, यानी कि जो नाटक था हरिश्चंद्र का उसने मेरे माइंड पर बहुत ज़्यादा, मेरे दिल पर बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिया था। आई वाज नेवर टायर्ड, थका हुआ था वॉचिंग इट, मैं उसको काफ़ी थका हुआ था लेकिन फिर भी उसको देख रहा था। स्टिल बहुत हरिश्चंद्र एंड श्रवण, यानी कि मेरे उस माइंड पर हरिश्चंद्र और एक और क्या नाम था, श्रवण, दोनों ने बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिया था। लिविंग रिलेटिव्स फॉर मी, और वो मुझ में रहने लगे थे, मतलब वो कोई जिससे अपन भी रहते हैं, कोई चीज़ अपने माइंड पर चढ़ जाती है तो अपन भी ऐसे ही करते ना, जैसे अपन स्कूल में हैं, कोई टीचर अगर किसी बच्चे के, हाँ वो टीचर अच्छा पढ़ाती है तो अपने मन में क्या, माइंड में कोई बात चलती है कि वो टीचर मुझे इतना अच्छा पढ़ाती है, वो सर मुझे इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये ऐसी किसी बातें जो महात्मा गांधी जी थे उनके दिमाग पर चढ़ गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा मूड गति करता, इफ आई रीड दिस प्लेस, इस नाटक की ओर मैं हमेशा मतलब गति यानी कि रहता था, मतलब आगे रहता था, मतलब पढ़ता था उस नाटक को। आई वाज, मैं था अबाउट 7 यानी कि मैं कितने ईयर का था, 7 ईयर का था। वेन, जब माई फादर, मेरे पिताजी लेफ्ट पोरबंदर चले गए थे फॉर राजकोट, जो राजकोट है वहाँ पर पोरबंदर में मेरे पिताजी चले गए थे। देर आई वाज पुट इन प्राइमरी स्कूल, उन्होंने मुझे प्राइमरी स्कूल यानी कि प्राथमिक स्कूल में भर्ती किया था, मतलब ठीक है। आई डू नॉट रिमेंबर, मैं नहीं याद, मतलब आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड, ठीक है, इसका मतलब है आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड ए लाई ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, मैंने अपने स्कूल के दिनों में अपने टीचर से या किसी से भी झूठ नहीं बोला, ठीक है। आइदर टू माई टीचर और टू माई स्कूल मेट्स, यानी कि जो स्कूल के जो मेरे साथी थे उनसे मैंने कभी भी कोई बात झूठ नहीं की, मतलब जब तक उनको याद है उन्होंने ऐसा कहा। आई वाज, मैं था वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, ठीक है, मैं बहुत संकोच में भी था और बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था मेरी कंपनी वालों को। माई बुक्स, मेरी जो किताब थी, माई बुक्स यानी कि मेरी किताब एंड माई लेसन, जो मेरा पार्ट था, वेयर माई ओनली कंपनीज, जो मेरा लेसन है, जो मेरी किताब है, वही मेरे सहपाठी थे, ठीक है। मैंने आपको इतना लेसन पढ़ा दिया है, अगला लेसन मैं आपको, मतलब इसकी जो एक और वीडियो है ना, एक और पार्ट 2 मैं इसके नीचे से आपको करवा दूँगी। अभी तक बस इतना ही है, आप लोग इसे अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, और समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना,
मेरे से क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगी बाद में। ओके बाय, थैंक्स।